पांच सदियों के ज्ञान का सागर है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सिंह साहिब यानी मानसिंह स्थानीय गुरुद्वारा साहिब में सिख पंथ के आठवें गुरु बाला प्रीतम सिंह गुरु हरकृष्ण साहिब जी का प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभा के प्रधान हरचरण सिंह भाटिया सेक्रेटरी कमलजीत सिंह गांधी ने बताया कि प्रकाश पर्व के अवसर पर सचखंड दरबार साहिब अमृतसर के साबका ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी मानसिंह जी विशेष रूप से उपस्थित हुए। उनके द्वारा गुरमत विचार करते हुए बताया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में पांच सदियों के ज्ञान का सागर सम्मिलित है। इसमें निहित गुरबाणी के प्रभाव से हमारे जीवन के सारे दुख दर्द समाप्त हो सकते हैं। उनके द्वारा गुरु हरकृष्ण जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि चेचक की महामारी की चपेट में आए रोगियों की महामारी को अपने शरीर पर लेकर रोग मुक्त किया एवं श्री गुरु तेग बहादुर जी को गुरु गद्दी अर्पित कर ज्योति ज्योत समा गए। इस अवसर पर पटियाला से आए ज्ञानी प्रिंसिपल सिंह जी खरगोन के ज्ञानी पवन सिंह जी एवं परमित सिंह भाटिया द्वारा गुरबाणी शब्द के जसगान से गुरुद्वारा साहब हाल संगत के जयकारों से गुंज उठा। स्त्री सत्संग जत्थे की प्रमुख माता त्रिलोचन कौर चावला रानू सैनी द्वारा सिंह साहब एवं कीर्तनी जत्थे का पुष्प वर्षा एवं सिरोपा भेंट सत्कार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। सिंह साहब जी आज आप साहेब श्री गुरु हरकिशन साहब जी दे प्रकाश पुरब ते खरगोन आयो, आप इस बाबत क्या कहना चाहो? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक जोत दे अठवें स्वरूप बाला प्रीतम अष्टम गुरबीरा साहिब सतगुरु श्री गुरु हरकिशन साहब जी का प्रकाश पुरब गुरबाणी तिना गुरसिखा भाई भगत गुरपुरब करंदे दे महावाक अनुसार खरगोन दियां संगतां वल्लों गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों बड़ी ही श्रद्धा भावना ते चढ़दी कला दे नाल मनाया गया। इस समय नौजवानां वल्लों गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा ते होर सारियां संगतां दे सहयोग नाल जो गुरमत समागम करवाए गए ने ये बड़ा शलाघाजोग उद्दम है क्योंकि जगत गुरु नानक पातशाह जी ने सिख धर्म दा आधार गुरबाणी ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਮੰਨਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ ਤਥਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਐਸਾ ਜਾਣੀਐ ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਲਏ ਮਲਾਏ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੋਹ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਪਖੰਡਵਾਦ ਦੇ ਜੋ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਖੇਡੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਹਮ ਸਭ ਮਿਲਕਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕੇ ਆਠਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਕੇ ਸਾਥ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖਰਗੋਨ ਮੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੇ ਜਸਗਾਨ ਹੇਤੁ ਏਵਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਪਰ सचखंड दरबार साहिब अमृतसर के साबका ग्रंथी सिंह साहब ज्ञानी मान सिंह जी उपस्थित हुए हैं। उनके द्वारा हमें गुरमत विचारों द्वारा निहाल किया जा रहा है। आज हम सबके बीच में गुरबाणी की बयार भे रही है। मैं इस खुशी के मौके की आप सबको लख लख बधाई देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।